नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत प्रधान नगर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को दार्जिलिंग मोड़ के इलाके से मोहन चौधरी नाम के एक व्यक्ति को 28 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र के मुताबिक आरोपी व्यक्ति ट्रॉली बैग में गांजा भरकर सिलीगुड़ी शहर या आसपास के इलाकों में तस्करी करने की योजना बना रहा था। तभी गुप्त सूचना मिलते ही अभियान चलाकर प्रधान नगर के थाने की पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने बताया जब्त गांजे का बाजारिक मूल्य 10 लाख रुपए से भी अधिक है। NDPS एक्ट के तहत आरोपी को शनिवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। इधर एक और मामले में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने प्रधान नगर थाने क्षेत्र से चोरी के एक और वाहन को जब्त किया है। पता चला है कि समर नगर इलाके से बेलोरो चोरी होने की शिकायत प्रधान नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज करने के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने चोरी का वाहन बरामद कर लिया। प्रधान नगर थाने की पुलिस ने खोरीबारी थाना पुलिस के सहयोग से चोरी हुई यात्री बोलेरो को समर नगर क्षेत्र से बरामद किया। सिलीगुड़ी के पुलिस उपायुक्त कुंवर भूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस घटना में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। संजय गुप्ता की और उसकी रिकवरी की गई विद द हेल्प ऑफ खड़ीबाड़ी PS के सपोर्ट से। सुबह में गाड़ी ये चोरी हुई थी तो हमारे जेटा दूटा मेन ऑफिसर छिलो जेटा काज करे छे उनार नाम आछे तरुण कांति घोष एंड अदर ऑफिसर जेटा आछे ASI आशीष सिंघा आछे। तो बोथ ऑफिसर्स परफॉर्म वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर्स ऑफ खड़ीबाड़ी PS। तारपरे ही जेटा बोलेरो चोरी जो हुआ था ओटा सीज हुए छे। तो एटाई दुटा डेवलपमेंट छिलो तो ओटाई जन्नो आमी एटा प्रेस ब्रीफ करे छी इन्फॉर्मेशन दिए छी। सर, ये गाड़ी कहाँ से रिकवरी हुई और कब चोरी हुई थी? ये गाड़ी जो चोरी हुई थी ये आज सुबह में ही चोरी हुई थी, सुबह 4 बजे के आसपास चोरी हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने थाने को इन्फॉर्म किया था, फिर उसके बाद शाम तक ही रिकवर हो गई थी। कहाँ से ये सर चोरी हुआ था गाड़ी? ये गाड़ी चोरी हुई थी आपकी प्रधान नगर PS में, ये जगह है सम्मन नगर से चोरी हुई थी। सर, ये जो गांजा था ये कहाँ से आ रहा था और कहाँ जाने? दीपेन ठाकुरू पर हमरो पार्टी के मेयर को प्रलोभन देने का आरोप लगाते हुए महिला मेयर ने ठाकुरी के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दार्जिलिंग नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के नगर पार्षद दीपेन ठाकुरू द्वारा हमरो पार्टी के मेयर को फोन करने और उन्हें रुपए पैसे के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का ऑडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हमरो पार्टी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। सदर थाने में हमरो पार्टी के महापौर का कहना है कि प्रशासन से तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। नमस्कार, आज हामी यो मिडियामा आउनुको विशेष कारण चाहिँ आज वार्ड नम्बर 2 को दीपेन ठकुरी जो हाम्रो पार्टीको इलेक्टेड कमिश्नर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आज अर्को इलेक्टेड कमिश्नरलाई चाहिँ ब्राइब गरेको एउटा आज तपाईँहरू प्रायले भिडियो मार्फत पनि या फेसबुक या व्हाट्सएप जेबाट पनि तब मिडियाबाट चाहिँ तपाईहरुले जानकारी पाउनुभयो होला हैन। त्यसकै अगेन्स्टमा चाहिँ यहाँनिर जो बहिनीलाई ब्राइब गरेको छ उहाँ बहिनीले चाहिँ एउटा FIR दर्ज गर्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ एज अ हाम्रो पार्टीको इलेक्टेड क्यान्डिडेट भएर चाहिँ क्यान्डिडेट मिन्स कमिश्नर भएर चाहिँ अर्को इलेक्टेड कमिश्नरलाई चाहिँ यसरी ब्राइब गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै गलत हो र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा डिस्क्वालिफाइड गरिजाओस् भनेर चाहिँ यो FIR चाहिँ आज हामीले दर्ज गरिरहेको छौँ र हामी आशा राख्दछौँ कि प्रशासनले पनि यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसको एक्सन लिएर चाहिँ यसको समाधान गरिदिनुहुन्छ होला भनेर हामी एज अ दार्जिलिङवासी अनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ यही निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। बागडोगरा में एक यात्री बस के पहिए की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना बागडोगरा के बिहार मोड़ की है। बताया जा रहा है कि बिहार के किशनगंज से सिलीगुड़ी की ओर आ रही एक निजी यात्री बस बिहार में ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। बस से उतरते समय एक यात्री सड़क पर गिर गया जिसके बाद यात्री के ऊपर से बस गुजर गई, जिसके बाद पुलिस, ट्रैफिक और स्थानीय लोगों ने घायल यात्री को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचाया। यात्री की पहचान उत्तर दिनाजपुर के सोनापुर के निवासी के रूप में हुई है। घटना के बाद से चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। देख लेना अपने दादा, हमें एक ने देख लाम, हमें जो हम ऐसे पहुंचा लाम, बस टाइम से पहुंचा लो, ये बस स्थिति के लोग नाम छिल आर की, वो एक बॉयस को मोटामोटी 60 बच्चों कोटी व्यक्तियों हो गए भद्रलोक की, तो उन्हें नामते बसटा मैंने যেতে চাচ্ছিল আর তখন হঠাৎ করে উনি পড়ে যায়, পড়ে গিয়ে উনি ওনার মানে অর্ধেক শরীরটা বাসের তলার মধ্যে ঢুকে গেলে বাসের যে পিছনে চাকা আছে ওটা একদম ওনার
মানে এই থোরার উপর দিয়ে উঠে যায়। উঠে গেল ঠিকই, আবার চিল্লাচিল্লি হলো কিছু একটা, আবার উনি ব্যাক করলো, আর একবার ব্যাক হয়ে আবার উঠে গেল। আমরা দেখলাম যে এখানে ওনার যে মানে বা পা মানে পা আছে, পাটা মোটামুটি ওনার শেষ। কি নাম আপনার দাদা? মানে হচ্ছে মহেশ বিশ্বাস। এখন ব্যক্তির কি অবস্থা? এখন তো যাক এই আপনার অ্যাম্বুলেন্স এসে ওকে নিয়ে গেল হসপিটালে, শ্বাস চলছে, জানি না পরবর্তী। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। हमरो पार्टी छोड़कर भारतीय गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल होने वाले दीपेंद्र ठाकुरी ने हमरो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड के खिलाफ दार्जिलिंग सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया, अध्यक्ष एडवर्ड ने आरोपी पर बिना जांच के दीपेंद्र की आवाज होने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर फोन पर बातचीत का प्रसार करके एक व्यक्ति की गोपनीयता पर हमला करने का आरोप लगाया है और कहा कि बिना अनुमति के किसी का फोन रिकॉर्ड करना कानूनी अपराध है। एडवर्ड ने कहा कि अधिनियम भारत के संविधान के छेद 21 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और एडवर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकी की मांग की है। दुकान में चोरी करने के आरोप में एक युवक की पिटाई कर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। सिलीगुड़ी शहर के पास फुलवारी 2 नंबर ग्राम पंचायत के नतुन बाजार इलाके में शनिवार सुबह पान की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। इलाके में खोजबीन करने पर उन्होंने एक युवक को नशे में धुत देखा। उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चोरी के कुछ सामान बरामद हुए, तब स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी। बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने कथित तौर पर युवक को बांध दिया और उसकी पिटाई की। सूचना मिलने पर न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। इलाके के रहने वालों ने इलाके में पुलिस निगरानी बढ़ाने की मांग की है। প্রায় দোকানে চুরি হচ্ছে, চুরি যখন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা থানাতে ইনফরমেশন করছি কিন্তু চোর কোনো কারণবশত মানে বের করতে পারছে না। তো আমাদের একটা লোকালিটি সবার একটা সন্দেহ, যেভাবে চুরি হচ্ছে লোকাল লোক যদি না থাকে তাহলে এইভাবে চুরিগুলো হতে পারে না সিস্টেম অনুযায়ী। একের পর এই দোকানে চুরি হয়ে যাচ্ছে, এর আগে আরও অনেকগুলো দোকানে চুরি হয়েছে, ঠিক আছে। তো অনেকদিন পরে ধরা গেল, এটা আমরা চাই যে থানা ভালো মতো তদন্ত করুক। এতে নিশ্চয়ই একটা গ্রুপ আছে, একা চুরি করতে পারে না, ঠিক আছে। এই আমাদের মানে ইচ্ছা। বললো কি তোর দোকান খুলে থুয়ে চলে গেছিস? বললো কি না তো আমি তোর তালা মেরে আসছি। তারপরে দেখলাম এসে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যাটারি যা দোকানের হবে যাবে এখন তো দেখতে পাচ্ছি যে এতগুলো জিনিস আছে। আমার হাজবেন্ড কিছুই বলছে না যে এসব নিয়ে গেছে, গ্যাস সিলিন্ডার অফ দিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, আমি যে আমার যে এইভাবে চুরি করছে দুই দিন পর পর করছে না, দেখো এর আগেও চুরি করছে, এর আগে বা দোকান লুটে পুলিশ বারবার বাড়িতে ঢুকে যায়। আচ্ছা আপনি হ্যাঁ চুরি এই ছেলেতে আজকে ধরলেন কিভাবে? আজকে দুজন এখানে বসেছিল চা খাচ্ছিল। আচ্ছা, आम आदमी पार्टी समर्थकों ने सिलीगुड़ी में पार्टी के स्थापना दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। बताते चले आज सिलीगुड़ी शहर में आम आदमी पार्टी का 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष दिव्येंदु मजुमदार समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। 2012 साल 26 नवम्बर आम आदमी पार्टी একটি বিস্তার হয়েছিল, তো আজকে তার 10 বছরতমতে আমরা কিছু গাছ লাগালাম, গাছ বিতরণ করলাম পুলিশের মধ্যে, আমরা ফৌজিদের মধ্যে, স্কুল স্টুডেন্টের মধ্যে, আশেপাশে যারা দোকানদার আছে তাদের মধ্যে আমরা পরিবেশকে স্বচ্ছতা থেকে স্বচ্ছতা করার জন্য যা যা দরকার অবশ্যই করব। 2012 সালে যেই অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্যার যে আমাদের একটি মিছিলে ছিলেন যা যেটাকে আন্না আন্দোলন নামে পরিচিত, তার নেতৃত্বে কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আমি আগামী দিনে বীরু ঘোষ বিধানসভা ইনচার্জ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। एट 7 कॉन्सेप्ट्स वी हैव दिस डोर्स, दिस आर मेड ऑन फ्लश डोर, एनी कलर एनी डिजाइन इज अवेलेबल। इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है, ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी किचन बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपया पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स होटल रूम डोर्स इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबेट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। डियर लॉटरी, हिमालयन आइडल सीजन 2, नेपाली गायन नव प्रतिभा को खोज, रियलिटी शो को गोरुबथान ऑडिशन आगामी 27 नोभेम्बर आइतबार को दिन सेंट फ्रांसिस स्कूल मालबस्ती गोरुबथान में ऑडिशन को निम्ति स्पॉट रजिस्ट्रेशन समेत उपलब्ध रहने छ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को निम्ति हाम्रो वेबसाइट www.skilive.news विजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारी को निम्ति 8293-51883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हिमालयन किन फर्निचर, यहाँ पे उपलब्ध है अट्रैक्टिव किन सोफा सेट, डाइनिंग सेट, क्रिस्टल के बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस फर्नीचर, टाटा स्टील प्रोडक्ट के स्टील एंड स्टाइल में है 3 डोर और 2 डोर अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, कार्लन सोफा वर्ल्ड में मिलेंगे सोफा सेट, मैट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट एवं सभी तरह की फर्नीचर और फर्निशिंग। पूजा ऑफर में है अप टू 20% डिस्काउंट और अट्रैक्टिव गिफ्ट। 35 सालों के विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्नीचर, नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, प्रधान नगर, हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी। अमांते हैज अंडरस्टूड इंडियन वुमेन टेस्ट विद स्टाइल, शेप एंड कलर। वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ कम्फर्ट ब्रा और स्टाइलिश वन, अमांते हैज ऑल पैडेड ब्रा, प्रिंटेड ब्रा, लेसी ब्रा, सीमलेस ब्रा, वायर्ड ब्रा। अमांते हैज सीमलेस पैंटीज, बिकनीज विथ लेसी पैंटीज एंड हिपस्टर पैंटीज। स्विम वेयर एंड एक्टिव वेयर आर ऑल्सो अवेलेबल इन अमांते। शॉप विथ अस टू गेट रेगुलर डिस्काउंट। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्यक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपया सच्ची किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी, केवल 6 रुपया अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज और सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी जरूरी है
ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्र। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गार्मेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गार्मेंट में आए या ए से जेड तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गार्मेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend batches. Hostel facilities available. Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing. The unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn. 100% placement guarantee. Loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640-90007, www.medicalscribe.co.in. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। राज्य के सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक शनिवार को जलपाईगुड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद सिंचाई मंत्री ने कहा, मैं यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों पर लोगों की समस्याओं के बारे में बात करने आया हूं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों को अधिक संख्या में आम लोगों से बात करने का निर्देश दिया। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि तीस्ता सिंचाई परियोजना के कई काम वाम मोर्चा काल से भूमि विवाद के चलते अटके हुए हैं। उन्होंने उन कार्यों को फिर से शुरू करने की पहल की है। অর্থাৎ আমি প্রতিনিয়ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, তার যেদিকে সজাগ দৃষ্টি আছে সেটা তো আমার আশার মধ্য দিয়ে এটা প্রতিফলিত, এবং আমার আশাটাতেই তো কাজ হবে না, কাজটা বাস্তবায়িত করতে হবে। দেখুন, আগের বারে সে যেগুলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গেছিলেন আজকে সেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরপরে দেখতে থাকুন, ক্রমশ মানুষ বলবে যে মমতা ব্যানার্জি ছাড়া তাদের দেখার আর কেউ নেই। এই যে আর ভাঙনের ব্যাপারে আমি কালকে শিলিগুড়িতে একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি, আমি বলবো সেখানে আমরা আরআইডিএফ এই ভাঙন রুখতে যা যা প্রকল্প দিয়েছে। उत्तर दिनाजपुर जिला अंतर्गत इस्लामपुर थाने के मोहब्बतपुर में पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर अगजनी और तोड़फोड़ से तनाव फैल गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कमरुल हुदा जब जमीन विवाद के चलते लिखित शिकायत करने इस्लामपुर थाने गए तो किसी ने उनके धान के गोला में आग लगा दिया, जिसके बाद उस्मान समूह ने कमरुल हुदा समूह पर घरों में तोड़फोड़ करने और महिला को पीटने का आरोप लगाया है। घायल महिला का इलाज इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। इस्लामपुर के मोहब्बतपुर इलाके में दो गुटों में हुई झड़प को लेकर तनाव है। इस्लामपुर थाने पुलिस पूरी घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। এটা কার বাড়ি, যার বাড়িতে বেড়াটা ভেঙেছে? এটা আমার বাবার বাড়ি। আচ্ছা, হ্যাঁ, কি ঘটনা হয়েছে, কখন হয়েছে? আমরা না তিনজন বাড়িতে ছিলাম, ওখানে না একবার আগুন লাগলো, বাড়ি পাড়ার সবাই গিয়ে না আগুনটা নিভিয়ে দিল। কিসে আগুন লেগেছিল? ওই বলে ধানে লেগেছিল বাইরে, আমরা তো দেখি নাই, খালি আগটা দেখছি। তারপরে আবার আবার লেগে গেল, দৌড়ায় আসে ভাটিয়ে গিলা কি বলছে, কই বাটা গিলা বের করো আমরা মেরে দিব, কোদাল নিয়ে আমার তাঁতি বেড়া সবাই ই করে দিল, ফালাই দিল। তারপরে আমার মা না ওখানে আছিল, চাটিখো আসছিল, চাটিখো কি বললো, ভাই দেখ তোরা কি করলো, তোদের ভাটিয়া গিলা কাজ করার জন্য এসেছে না আমাদের এটা বেড়াটা ভাঙার জন্য এসেছে। তারপরে বললো কি, এই চাটিখো না বাইকটা আমার মার উপরে ফেলাই দিল। তারপরে হেকমু আর চাটি খোয়া আর সোমু আমার মায়ের এরকম করে পিঠটাতে বেরিয়ে দিল, আর মায়ের মাথায় লেগেছে, পিঠে লেগেছে, প্রেসারের লোক, আমার মা বেহুস হয়ে গেছে, ডায়াবেটিস আছে, যদি ওনার কিছুই হয়ে যায় আমরা কি করব বলো। ওরা আমাদের উপরে অনেক অত্যাচার করে। আমার শ্বশুর তো এটা করে না, আমার শ্বশুর তো থানায় ছিল, থানায় ছিল।
আচ্ছা ওই পক্ষও বলছে ওরা থানায় ছিল আজকে বিকেল বেলা 3টা 3:30টার দিকে কোনো ঝামেলা হয়েছিল। पूरा झाड़कवा खाली भूमि रक्षा कमेटी और तीस्ता महानंदा परियोजना प्रभावित भूमि रक्षा समिति और रंगालीविता भूमिहीन व बस्तवता रक्षा कमेटी की ओर से किसान आंदोलन की याद में शनिवार कवा खाली चलो अभियान का आयोजन किया गया। आज इन संगठनों के सदस्य सिलीगुड़ी के नौका घाट मोड़ से जुलूस निकाल कर कवा खाली पहुंचे। बाद में यहां एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। विरोध सभा में संगठन के सदस्यों ने किसानों की जमीन के सरकार द्वारा जबरन हथियाने का विरोध कर इसकी कड़ी आलोचना की है। और आज ये जो ममता बनर्जी दुस्साहस कर रही है, जो उनका अंदरूनी जो उसका समझौता है भाजपा के साथ, भाजपा तृणमूल जो आतात से आतात ही उन्हीं दुस्साहस करछेन। सेई जन्य पोराझार कावाखालीर मानुषरा जे रुखे दाड़िएछेन ओदेर समर्थने आमी एसेछि। ममता बनर्जी होशियार हो जाओ, वरना एक जमाने में तुम रो रही थी, तुम्हार राजनीतिक जीवने एक दिन छिलो जे ममता बनर्जी काँदछिलेन आमरा विप्लवी आमरा कादी ना, आमरा प्राण उत्सर्ग करते पारी, कृषकरा प्राण उत्सर्ग करेछेन एई दिनाजपुर दार्जिलिंग एलाकाय। सेई जन्य कृषकदेर संगे आमी एकजुटता समर्थन जान। पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने तृणमूल की ग्राम पंचायत पर कब्जा कर लिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता इस घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। गौरतलब है तूफानगंज एक नंबर ब्लॉक की अंडरोन फुलबाड़ी एक नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान धरनीकांत बर्मन काल शाम उप प्रधान सहित चार अन्य पंचायत सदस्यों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। चूंकि 9 पंचायत सदस्यों में से 5 भाजपा में शामिल हो गए, ग्राम पंचायत स्वाभाविक रूप से तृणमूल कांग्रेस में फिसल गई। वहीं तृणमूल के तत्कालीन जिला अध्यक्ष प्रतिम राय ने कहा कि सभी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सफलता के लिए हर कोई जिम्मेदार होता है, उसी तरह असफलता की जिम्मेदारी को भी लेना चाहिए। এটা ঠিক না, যেহেতু আমাদের 7 জন আছে, মেজরিটি আছে, আমাদের নিজের দলের ভিতরতেই করা উচিত ছিল। সেটা না করাতে যে আশঙ্কাটা আমি সেই সময় করেছিলাম আজকে সেটাই ঠিক হলো। সেই বিজেপি লোককে প্রধান করার কারণে সেই বিজেপির 3 জনের সাথে আরও তৃণমূলের 2 জনকে নিয়ে আরও কিছু দলীয় কর্মী নেই তারা চলে গেল। সেই সময় এই দূরদর্শিতার কারণে এটা হতো না। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে দলেরই হোক, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার যদি অভাব হয় তাহলে কিন্তু সফল হওয়া, রাজনীতিতে সফল হওয়া বা দল। रतवा के दिग्गज भाजपा नेता मोहम्मद यासीन भाजपा छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मोहम्मद यासीन हाल ही में कोलकाता में राज्य तृणमूल नेता मुकुल राय की मौजूदगी में तृणमूल के दामन थामा। शनिवार दोपहर को कंचनजंगा एक्सप्रेस से वे मालदा टाउन स्टेशन पर उतरे। मालदा टाउन स्टेशन पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत किया। যে মালদা ডিস্ট্রিক্টে এর আগেও অনেক কেউ এসছে, আপনারা তার প্রমাণ পাচ্ছেন। মানুষ কতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুশি আছে। জেলা সভাপতি বলছেন যে দলনেত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুব্রত বক্সি এই 3 জন যোগদান করানো অধিকারী, তাদের কোনো অনুমোদন নাই, জেলা জানে না। এটা ভবিষ্যৎ বলবে। এবার আমি যেহেতু রাজ্যে জয়েন করেছি, এই এদের ব্যাপারে মন্তব্য এখানে করব। জেলা সভাপতির সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে এখনো পর্যন্ত? আমি রাজ্যে যোগদান করেছি, আপনাদেরকে বললাম কোনো রোবটের আমি এত খুব কেন আপনাদের উল্টোতে আমরা দেখছি। দেখুন আসুন কি যাদের বিরুদ্ধে আমরা হাফ প্যান্ট থেকে কংগ্রেসটা করেছি, আমি 2018 সালে তৃণমূলে এসেছি, যেখানে রতুয়ার মাটিতে, যেটা রতুয়া পঞ্চায়েত, যেটা তৃণমূলে কোনো মেম্বার ছিল না, রতুয়ার মানুষের আশীর্বাদ ভালোবাসারই রতো ভোটটা করেছিলাম। আমি প্রধানও হয়েছিলাম, তৃণমূল করেছিল আমাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে যখন জেলা প্রেসিডেন্ট রহিম বক্সি করা হলো, তখন শুধু রতুয়া পঞ্চায়েত না, মালদা জেলাতে প্রচুর পঞ্চায়েতে অনাস্থা উনি করালেন। যাকে উনি ফেললেন তার কাছে পয়সা নিয়েছেন, যাকে করবেন তার কাছে পয়সা দিয়েছেন। ওটা একটা ব্যবসা। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है,
सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है? चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।